तुम्हारे घर पे बना है पकौड़ा और उस पकौड़े को खाने के लिए चाहिए चटनी, तो अभी हम लोग पीसेंगे चटनी और फिर दिखाएंगे आपको। हरी मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ती, ये बिल्कुल सिंपल चटनी होगी। इसमें मैं बस नमक ऐड करूंगी, लेकिन मैं इसको पीसूंगी सिल बट्टे के ऊपर, तो इसका स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आओ चलो पीसते हैं। इस कटोरी में हम इसका रस इकट्ठा करने वाले हैं। ये हमारा टमाटर कट के रेडी है, तो अब जो है चटनी को पीसना शुरू करेंगे। पहले पीसेंगे धनिया को। तो यहाँ पे चटनी पिस रहे और वहाँ पे लड़की चटनी खाने के लिए एकदम बेताब हो रही है, और यहाँ पे मैं भी बेताब हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अकेले, मुझे भी खाना है। तो फाइनली कड़ी मेहनत के बाद चटनी ऑलमोस्ट पिस के रेडी हो चुका है। तो धनिया टमाटर की खुशबू एकदम यहाँ तक आ रही है, तुमको भी आ रही है खुशबू? टमाटर के रस को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्लेवर बहुत वीक हो जाता है। मैं बोली ना कि सिंपल चटनी लेकिन बहुत जबरदस्त, उसके पीछे रीजन होता है। टमाटर के रस को पहले निकाल लेंगे, इसको पीसते नहीं है, फिर नमक ऐड करेंगे जितना चाहिए, मुझे पता है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। और अब चटनी, अगर ये मिक्सी में पीसते ना तो इसका कलर ऐसा नहीं होता, ये डीप ग्रीन कलर का होता है, लेकिन आप देख सकते हो इसका कलर डिफरेंट है, और इसी से फर्क समझ में आएगा स्वाद का भी। इसका चलो इसका चल के स्वाद लेते हैं। तो चटनी पीसने के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिलवट को साफ करना। हमारा चटनी बन के तैयार है, अब हम इसको करेंगे टेस्ट और आपको बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। तो अब ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे, अब ये लोग स्वाद चख के बताएंगे कि स्वाद कैसा है। भाई चटनी देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे भी लेने दो। एक ही बाइट में कहना ही नहीं है, जो खाने की तरफ होती है ना वो भूख शांत हो जाता है बस एक बाइट। हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा। मतलब मन हरा भरा हो जाता है इस चटनी को खा के, है ना। इसमें पुदीना है? नहीं है, सिंपल है, बस धनिया और टमाटर मिर्च। अरे यार अगर इसमें हम पुदीना डाल देना तो इसको मस्त ठंडे पानी में अगर मिला के पी लेंगे ना तो कसम से मजा आ जाएगा, जलजीरा वाला टेस्ट आएगा, और बहुत टेस्टी है ये सच में। बस ऐसे दीजिए, सिर्फ आप अलग प्रोसेस से पीसोगे, सिलबट्टे पे पीसोगे और अलग से टमाटर का रस मिला दोगे तो इसी चटनी का स्वाद बहुत डिफरेंट हो जाता है, कभी ट्राई करना। तो अभी इन लोगों ने खाया, अब है मेरी बारी। तो अब शिवम चखेगा चटनी का स्वाद, चटनी दिखाओ। वाओ शिवम, आई हाय, सारा चटनी तुम जूठा कर दिए। तो हम ही खाना है ना। हमको भी खाना है, हम तुम्हारा जूठा थोड़ी खाएंगे। शिवम ने जानबूझ के किया था कि चटनी कोई और ना खा सके। तो ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था, और ये रेसिपी आप भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। हमारे फेसबुक पेज विद माने को जरूर फॉलो करना अगर अभी तक नहीं किया। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं दोबारा एक अलग वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।